पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत दौरे पर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा कि उसके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी अगले महीने गोवा में होने वाली शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने भारत आएंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि 4 और 5 मई को गोवा में विदेश मंत्री का बैठक में हिस्सा लेना SCO चार्टर और उसके तरीकों में पाकिस्तान की निरंतर प्रतिबद्धता और किस तरह पाकिस्तान इलाके को विदेश नीति को प्राथमिकता देता है उसे दर्शाता है। एक तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का भारत आना तय हुआ तो दूसरी ओर इसी दिन जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकवादियों ने सेना के एक ट्रक पर हमला किया। इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए और एक जवान गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज अभी चल रहा है। इस हमले के पीछे फिर से पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है। इस हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद हमने देखा है किस तरीके से हवाएं बदली हैं, फिजाएं बदली हैं, लोगों की मानसिकता बदली और कश्मीर के लोगों ने किस तरीके से आतंकवाद को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। और पाकिस्तान को यही बौखलाहट है कि उन्हें मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय सदस्य यहां पे आएंगे, पूरे डेलीगेट्स आएंगे, G20 में हिस्सा लेंगे और एक अलग ही तस्वीर देख के जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीके से एक झूठ का पुलिंदा फैलाता आया है पिछले कई वर्षों से, लेकिन अब उनके झूठ की पोल खुलने वाली है। यही एक वजह कि वो एक बार फिर से हालत खराब करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पे अटैक हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूंछ में सेना के जवानों पर हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF ने ली है। सोशल मीडिया पर PAFF का हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें श्रीनगर में G20 बैठक को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूंछ में ये आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में G20 बैठक और मई में होने वाली पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की भारत यात्रा से पहले हुआ है। ऐसे में इसे सीधे तौर पर पाकिस्तान से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जिन आतंकियों का नाम इस हमले से जुड़ रहा है वो पाकिस्तान के हैं और कश्मीर मुद्दे पर वैसे भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगलता ही रहता है। बिलावल की यात्रा से पहले जिस तरह से एक बार फिर से पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत पर हमला बोला है, उससे आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।